सो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोटर हेड पार्थ एंड दिस इज पार्थ। तो हम लोग आए थे परसों फ्रॉम प्रयागराज और कल हम लोगों ने बहुत सोया और हम लोगों को रेस्ट जरूरी था क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं फ्रॉम हियर टू द हिमाचल और हम लोग सब कुछ पैक्ड है। सोमदीप भी रेडी है, यहाँ पे खड़े है वो, तो सब कुछ हम लोगों ने बांध दिया, लगेज वगैरह जो भी है। और मेरा साइडल बैग का एक साइड का क्लिप टूट गया तो वो मुझे बनवाना पड़ेगा। तो चलो, अभी लेट बहुत ज़्यादा हो गया, अभी मुझे ये अपना जैकेट पहनना है, राइडिंग जैकेट पहनना है, टैंक बैग लोड करना है, ये जाएगा टैंक बैग पे, अब सभी को पता है। तो चलो विदाउट एनी मच फर्दर डिले अब हम निकलते हैं और मिलते हैं आपसे गोप्रो पे। सो इस होटल में हम लोग रुके थे, द टाइम नाउ इज अराउंड 11:30। तो रूम हमें बहुत ही अच्छा मिला था, स्टे हियर वाज वेरी कंफर्टेबल। हम लोग तो बहुत सोए कल। अभी कुछ तो सौमदीप ने कहा रूट के बारे में, कुछ पेरिफेरल वगैरह कुछ तो उसे पता है, वो हमें लेना पड़ेगा। तो हम लोग का अभी फर्स्ट स्टॉप रहेगा मूर्थल, बिकॉज मूर्थल में बहुत अच्छा खाना मिलता है, परौंठे वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। शिमला इज़ अराउंड 382 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर और हमें लगेगा अराउंड 7 आवर्स क्योंकि हम लोगों को ब्रेक्स वगैरह भी लेने हैं एंड गूगल मैप इज शोइंग इट्स गोना टेक लाइक 6.5 आवर्स बट द गूगल मैप डजंट काउंट द ब्रेक्स एंड ऑल। वी गोइंग टू टेक लाइक सुसु ब्रेक्स एंड ऑल, ट्रांजिशन ब्रेक तो जरूरी होता है हर एक राइड में। एंड द रूट वी आर गोइंग, आई हैव डन दिस बिफोर सो आई नो दैट रूट एंड थैंक्स अ लॉट टू पीकू जी। तो कल रात मैंने उसे फ़ोन किया था, वही फ़ोन किया था बेसिकली। सो मैंने कहा भाई तुझे लोकेशन पता है अच्छे से, तू मेरे लिए एक होटल ढूंढ ले। तो उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, मैं तो सो रहा था। उसी ने सारा सब कुछ किया, थैंक्स लॉट पिकू जी। ये क्या कह रहा भाई साहब, समझ तो आया नहीं मुझे। खैर गोलाई है यहाँ पर रोटरी, यहाँ से तो हमें लेना पड़ेगा राइट आई होप। तो कहीं हमें एक एग्जिट लेना होगा कि रास्ता सीधा तो शायद कहीं और जाती है और हमें जाना है टुवर्ड्स मूर्थल। तो हम लोग तो जाएंगे अंबाला कैंट होकर के, कैंटोनमेंट जो रहता है अंबाला में, उधर से होकर के तो हम लोग जाएंगे। हाँ एग्जिट यही है, पानीपत और अंबाला। चलो बढ़िया है भाई, हम लोग आ गए सो रूट पे। और ये रूट पे तो जैम बहुत ही ज़्यादा रहता है, यहीं पर हम लोग फंसे थे पिछले बार भी जब हम लोग आ रहे थे। राजन पीकू जी इफ यू आर वॉचिंग, याद आ रहा होगा जब हम लोग रात को फंसे थे 8 बजे। यार भाई साहब 6 से 8 या 8:30 तक हम लोग फंसे हुए थे जैम में ही बस। आ गए हाईवे पे फिर से एंड द टाइम नाउ इज 1:28 और 1:30 ऐसे कुछ है टाइम। अभी मूर्थल रह गया यहाँ से बस 15-14 मिनट 12 किलोमीटर के आसपास। अभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें पहुँचने को, बस मूर्थल में जितना लेट लगेगा बस बैठ के खाएंगे पिएंगे निकल जाएंगे वहाँ से, फिर फाड़ते हुए निकलेंगे टूवर्ड्स शिमला। और यहाँ का एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पर सनडाउन बहुत लेट से होती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो मूर्थल आ गए हम लोग, कहीं तो रोकना पड़ेगा, देखते आगे ढाबा। अभी फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा, मेरा बाइक रिजर्व पे, मैं तो भूल ही गया था। चलो अभी टॉप अप करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, जाके फिर मूर्थल में रुकेंगे। नॉर्थ वाला वाइब्स यार बहुत खतरनाक लगता, मस्त लगता मुझे।
सो द टाइम नाउ इज अराउंड 5:21 और यहाँ से अम्बाला अभी भी बाकी है 72, लुधियाना इज 186 एंड 327 इज अमृतसर। हमारा होटल रहेगा यहाँ से 219 किलोमीटर्स। होम स्टे का नाम था कुछ तो चंडेल होम स्टे टाइप का कुछ एक तो नाम है उसका, लेट से सांगटी करके कुछ जगह है इन शिमला। और हम लोग कुछ देर पहले अभी करनाल क्रॉस करके आ गए। चंडीगढ़ इज मोर 101 किलोमीटर्स एंड टाइम नाउ इज अबाउट 5:41 PM एंड वी आर अबाउट टू क्रॉस कुरुक्षेत्र। और आप सबको ही कोई पता होगा इस फेमस जगह के बारे में, ये नाम तो आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में सुना ही होगा। द फेमस बैटल ऑफ महाभारत वॉज फॉट ओवर हियर, इट्स अ वेरी होली लैंड एंड वेरी पायस टू हिंदूज। वो कुरुक्षेत्र तो आएगा अभी 4 किलोमीटर में। अब ये पता नहीं कि हम लोग ऊपर से निकल रहे हैं या फिर इंटीरियर में 4 किलोमीटर और जाना पड़ता है। यहाँ पे तो बोर्ड पे दिखाया कुरुक्षेत्र इज 4 more किलोमीटर टू गो, तो अब पता नहीं, देखते हैं। सो द टाइम नाउ इज 8:33 और हम लोग घुस रहे पंचकुला या फिर चंडीगढ़, समझ तो आ नहीं रहे बट इस हाईवे को देख के मुझे लग रहा है, एक्सप्रेसवे को देख के, तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली इट्स चंडीगढ़। सो अभी तक बाकी रह गया हमारा यहाँ से 105 किलोमीटर्स और 2.5 घंटा लगेगा हमें घुसने में, उससे जल्दी पहुँच जाएंगे शायद। टाइम अभी हो गया 10:11, हमारा होटल रह गया और 61 किलोमीटर्स। और ये जगह जितना मुझे लग रहा है दिस इज सोलन, दिस रोड्स आर टू गुड, इट्स नॉट लाइक सिक्किम, सिक्किम का रोड बहुत चैलेंजिंग है भाई। सो इफ समवन इज प्लानिंग टू स्टार्ट राइड इन द माउंटेंस, यहाँ से स्टार्ट किया करो फिर धीरे धीरे सिक्किम जाओ। वन टिप टू ऑल द बाइकर्स, प्लीज डोंट प्लान फॉर लद्दाख डायरेक्टली इफ यू आर नॉट एवर नो एक्सपीरियंस राइडर, तो धीरे धीरे ऊपर जाओ तो लंबे चलोगे। और ठंड अभी तक तो उतना ज़्यादा फील हो नहीं रहा, सच बताओ यार गुरुद्वार से आने के बाद ठंड फील ही नहीं होता, जो लोग जा चुके वहाँ पे दे ओनली नो। एंड हेल स्टॉर्म्स वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे एक साथ, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरा गुरुद्वार का वीडियो तो प्लीज़ आई बटन में आ रहा होगा, प्लीज़ जाके देख लो एक बार, मज़ा आ जाएगा। टाइम नाउ इज 12:34 एंड आई थिंक आई एम इन शिमला। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन स्टे कूल, स्टे राइड एट राइट साइड फ्रंटियर पर, हैप्पी दिस मोर हेड पार्ट साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक नए रास्ते से।